अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समीनाज़ रूटीन ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पर हो गई है दिन की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में हम सभी जो बच्चे हैं ना, खास करके चारों बच्चे मेरे, पराठा लेना पसंद करते हैं, चाहे वो छुट्टी हो चाहे वो स्कूल हो। और शाइस्ता जो है वो तो सुबह पराठा खा के नहीं जाती है, वो लेकर जाती है। तो यहाँ पर सभी, वो तो स्कूल चली गई है, हस्बैंड को जाना है ऑफिस, उनका भी नाश्ता बन रहा है और साथ ही बच्चों का भी। तो कोशिश यही करती हूँ कि सभी को नाश्ता एक साथ दूँ, ताकि मेरा भी काम कम हो, एक साथ सारा किचन फैले और एक साथ समेट लूँ, वरना एक एक करके जब उठते हैं तो बहुत काम बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो है पराठे के साथ अगर वो सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो फिर चाय पराठा ही लेकर खाते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल मैं तेल में ही पराठा बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी में कोई पराठा खाना पसंद नहीं करता, किसी को नहीं शौक़ है। और बहुत से मम्मीज़ जो है ना परेशान रहते हैं कि टिफ़िन में क्या दें। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा और झटपट सा बनने वाला सैंडविच है, जिसके लिए मैंने ले लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, ककड़ी, बीटरूट को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, चॉप्ड ऑनियंस ले लिए हैं, टमाटर, कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, कैबेज भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स, जो सलाद वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स जो हम इसमें सैंडविच में डालते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को ग्रेट करके इसका एक्सेस वाटर निकाल दिया जाए तो सैंडविच जो है हमारा सॉगी बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने जो है इसमें मलमल के कपड़े में डालकर सारा एक्सेस पानी निकाल लिया है। यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा मेयोनीज़, यानी कि 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, और 3 से 4 चम्मच जाएगा केचप। यहाँ पर आप हॉट चिली सॉस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी, आप चाहे तो इसमें ऑरिगैनो हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स दे देना है। और देखिए कलर कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है कि इसी कलर का मुझे एक कपड़ा मिल जाए तो बस क्या ही है। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, ब्रेड को मैंने अरेंज कर दिया है। अब इसमें चाहे तो आप स्लाइस चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे स्लाइस चीज़ या चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और अच्छा भी है, वो हेल्दी भी है, सैंडविच ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे टोस्टर में या तवे पर आप टोस्ट कर सकते हैं साइड में बटर्स लगाकर। तो अच्छे से टोस्ट करके मैं इसे सर्व कर दूँगी। और यहाँ पर जो है ना, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पर जो है सैंडविचेस बनके रेडी है। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर सैंडविच आए और कब अटैक करें। तो फ़िलहाल के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही यमी और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को टिफ़िन में ज़रूर दीजिएगा। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसका बैटर जो है एयरटाइट कंटेनर में बना कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सेस पानी जो है हमने निकाल के फेंक दिया था। तो बस यही इसकी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं और ये मेरा बाइट वाला सैंडविच मैं अपना कंटिन्यू करूँगी। नाश्ता पानी हो गया है, फिर भी यूसुफ का सिजलिंग चालू है। चिजलिंग ये जो है ना, यूसुफ जो है ये कल शाम में आया डब्बा, सोचो ये पूरा ख़त्म होने आया है। एंड यू नो कल डी मार्ट गए थे, तो डी मार्ट से कुछ खाने पीने की चीज़ आज शाइस्ता और अनम शाजिया ट्राई करने वाले हैं, हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स, वेज कोरियन नूडल्स। तो देखते हैं ये वाकई में हॉट एंड स्पाइसी है या नहीं। अलॉन्ग विथ इट शॉपिंग थी थोड़ी सी। यूसुफ के लिए हमने ले लिया है फुटबॉल, ये रहा उसका रेड कलर का बॉल, तो जो कि बहुत ही छोटा हो गया था, श्रिंक हो गया था। तो हमने सोचा कि ना इसे नया बड़ा फुटबॉल दिया जाए। तो ये जो है पापा का वेट कर रहा है कि पापा की कब छुट्टी होगी और कब मुझे पापा के साथ ग्राउंड जाने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई गार्डन नहीं है। लगे हाथ मैंने अपने हस्बैंड की जेब थोड़ी सी और खाली कर दी थी। यहाँ पर मैंने ले ली थी कुर्ती, जो कि मुझे लेना भी था, और ये है प्लाज़ो, 2 सेट्स ऑफ प्लाज़ो। ये कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, ये नॉर्मल कॉटन की कुर्ती है मेरी,
जो मैंने नॉर्मल एक शॉप से, जो लोकल शॉप होती है वहाँ से ली थी। और ये देखिए, मैं बाद में सैंडविच की बात ही कर रही थी कि सैंडविच कलर का मेरा कपड़ा मिल जाए तो बस, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे मिल गया। तो यहाँ पर वो कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, दोनों पीस बहुत ही अच्छे थे। 2 hours later और यहाँ पर शाइस्ता और शाजी जो है हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स बना रहे हैं। देखते हैं पूरा पैकेट खा पाते या नहीं, क्योंकि अभी एक ही पैकेट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। इसका कुछ एक लिक्विड मसाला है, ऑयल है समथिंग, ये रेड कलर का, बहुत ही रेडिश कलर है। और इसका एक पाउडर मसाला भी है। मैंने इनसे कहा कि पहले एक ही पैकेट बना के खा के दिखा दो, बाकी तो तुम बाद में खाना। तो बस मैगी हो गई है रेडी। अब मैंने बाद में कैमरा जो है ऑफ़ कर दी थी, स्टार्टिंग के क्लिप जो है वो कहीं मिस हो गई थी, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया था तो वो डिलीट हो गया था शायद। बट ये एक पैकेट मैगी इन लोग नहीं खा पाए थे, एंड यकीन मानिए बहुत ज़्यादा तीखा था, मेरे आँख में भी आंसू आ गए थे।